नमस्कार, आपके लोकप्रिय शो वीकेबी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीकेबी स्पेशल में बात करते हैं नागपुर में सुबह से चल रहे चुनावी समीकरण की, जहां विधान परिषद के नागपुर जिला स्थानीय स्वशासन निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा। भाजपा की रणनीति सटीक साबित हुई और भाजपा की जोरदार जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर बावनकुले ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। इस चुनाव में 559 मतदाताओं में से 554 ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। बावनकुले को 362 वोट मिले, जबकि मंगेश देशमुख को 186 वोट मिले। साथ ही साथ छोटू भोयर, जिन्हें कांग्रेस से भाजपा ने नामांकित किया था, उनको केवल एक वोट मिला। राज्य की 6 विधान परिषद सीटों में से 4 पर निर्विरोध चुनाव हुए। हालांकि नागपुर और अकेला में असमिति के कारण वहां चुनाव हुए। इन दोनों चुनाव में भाजपा और सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी में सीधे आमना सामना देखने को मिला। नागपुर विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार यह सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी की हार है, ऐसी प्रतिक्रिया भाजपाइयों ने दी। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष प्रमुख देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बात की और आने वाले सभी चुनाव में भाजपा ऐसे ही बड़ी जीत हासिल करेगी और तीन पार्टी अगर साथ है तो सभी चुनाव जीत सकते हैं। यह समीकरण गलत है, यह स्पष्ट हो गया है। ऐसा तन भी फडणवीस ने राज्य की महाविकास आघाड़ी पर कसा है। अतिशय आनंद आहे की माझे सहकारी चंद्रशेखर बावनकुळेजी हे पुन्हा एकदा विधान परिषदेत प्रचंड मतांनी निवडून आले आहेत। खरं म्हणजे मला असं वाटतं की आजचा विजय हा भविष्यातल्या विजयाची नांदी आहे। अकोल्यामध्ये देखील वसंतभाई खंडेलवाल चांगल्या फरकाने निवडून आले आहेत। भारतीय जनता पार्टीला 6 विधानसभेत विधान परिषदेच्या निवडणुकींपैकी 4 ठिकाणी विजय मिळालेला आहे, त्यामुळे 3 पक्ष एकत्रित आले म्हणजे सगळ्या निवडणुका जिंकता येतात। अशा प्रकारे जी मांडणी केली होती तिला छेद गेलेला आहे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विजयामुळे विदर्भातले जे कार्यकर्ते आहेत ते प्रचंड उत्साहित आहेत। मी आमचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी, माननीय आमचे अध्यक्ष नड्डाजी, होम मिनिस्टर अमितभाई शाह यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला आणि चंद्रशेखरजी वसंतभाई आणि आमच्या सगळ्या उमेदवारांना त्यांनी या ठिकाणी उमेदवारी दिली आणि त्यामुळेच हा विजय मिळाला। आणि त्याचसोबत आमचे नेते माननीय नितीनजी गडकरी यांनी जे मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल त्यांचे देखील आभार मानतो। पदवीधरचं अपयश दूर निघालं का? यश अपयश हे राजकारणामध्ये लागू नसतं। आज यशाचा दिवस आहे, अपयशावर चर्चा नंतर करू, अपयशाची चर्चा असतील काँग्रेसची। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ी जीत है, 6 में से 4 जगह बीजेपी जीती है। हमने मिथक तोड़ दिया
एक में तीन पार्टियां एक साथ आई तो चुनाव जीता जा सकता है। और विशेष रूप से चंद्रशेखर बावनकुले जी का जो विजय है ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय है, क्योंकि इस विजय से हमारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित है। मतगणना की शुरुआत में भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर बावनकुले ने बढ़त बना ली थी। कांग्रेस समर्पित निर्दलीय मंगेश देशमुख के खिलाफ पूर्व ऊर्जा मंत्री और भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के बीच सीधा मुकाबला था। चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी जीत पर आभार व्यक्त किया, पर साथ ही साथ अपनी जोरदार जीत के साथ बावनकुले ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पर जोरदार हमला भी किया। नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है, ऐसी बात उन्होंने कही। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र के लोकनेते देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय आमचे अध्यक्ष चंद्रकांत दादाजी या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो। ज्या मतदारांनी मला मतदान केलं पहिल्या पसंतीचं त्यांचा आभार मानतो। दुसऱ्या पसंतीचंही मतदान मला मोठ्या प्रमाणात मिळालं आहे, त्यांचेही मी आभार मानतो। आणि 362 मतं आम्हाला मिळाली, भाजपकडे 318 मतं होती, पण 362 मतं मिळाली। नागपूरच्या जिल्ह्यातल्या शहरातल्या जनतेनी मतदारांनी माझ्यावर प्रेम केलं आणि संपूर्ण पक्ष माझ्या पाठीशी उभा राहिला, म्हणून हा विजय मला मिळाला। महाविकास आघाडीला जे 186 मतं मिळाली, जर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनी त्यांना साथ नसती दिली तर 186 मतं मिळाली नसते। राष्ट्रवादी आणि शिवसेना त्यांच्यामागे उभी राहिली म्हणून त्यांना 186 मतं मिळाले। काँग्रेसमध्ये प्रचंड अफरातफरी झाली, प्रचंड मतं फुटलीत, कारण हुकुमशाही मोगलशाही पद्धतीने पक्ष चालवणे याचे हे उदाहरण आहे। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हे दोन मंत्र्यांच्या दबावात आले, त्यांनी उमेदवार बदलवला, एक उमेदवाराला तिकीट दिली, दुसऱ्या उमेदवाराला मत टाकायला लावले, ही पक्षातली हुकुमशाही। मतदाराला मान्य नव्हती, जनतेला मान्य नव्हती। काँग्रेसमध्ये प्रचंड अस्वस्थता या विषयाला आहे आणि याचा प्रचंड फटका विदर्भामध्ये काँग्रेस पार्टीला बसणार आहे। भोयरनी सुद्धा स्वतःला मतदान केलं, त्यांनी सुद्धा काँग्रेसला मतदान केलं नाही। विदर्भातल्या दोन्ही जागा राखल्या भाजपने, अकोला आणि नागपूर। माननीय देवेंद्र फडणवीसजींच्या नेतृत्वामध्ये विजयाची घोडदौड सुरू झालेली आहे आणि यानंतर महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि यानंतर सर्व निवडणुका होतील, भारतीय जनता पार्टी जिंकणार आहे। विदर्भात दोन्हीकडे महाविकास आघाडी फुटलेली आहे, महाविकास आघाडीचे मत दोन्हीकडे, अकोला बुलढाणा। हुकुमशाही, नाना पटोले प्रदेशाध्यक्ष हे हुकुमशाही पद्धतीने चालतात आहे, ते मंत्री त्यांचं ऐकत नाहीत, ते कसले प्रदेशाध्यक्ष आहेत। आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थाने हा नाना पटोलेचा पराभव आहे, त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे। राज्य में महानगरपालिका चुनाव सामने है, साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। ऐसे में आने वाले महानगरपालिका चुनाव और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, जिस पर रहेगी वीकेबी न्यूज की सीधी नजर। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।